मेरी बेटी की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है जिसने मैंने लिखा है माँ की। कितने अच्छे लग रहे यार। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। सबसे पहले आप सबको दिल से शुक्रिया है, दिल से, कि आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी मेरी प्यारी सी मन्नत को। और हाँ, इसका नाम मन्नत नहीं है, इसका ये जो व्लॉग है वो है स्पेशली इसके नेम सेरेमनी का, जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बट उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये व्लॉग आज से करीबन 15-17 दिन पहले का है, क्योंकि इसको हॉस्पिटल में 15 दिन से ऊपर हो गए थे। तो फिर जिस दिन इसके नेम सेरेमनी थी उस दिन रात को ही इसको हम हॉस्पिटल ले गए थे। तो फिर उस दिन से ना तो मेरा कुछ करने का मन था ना कुछ और, हमने जो नेम सेरेमनी थी वो भी बहुत ही छोटे रूप में या जैसे भी की है वो आप लोग से शेयर करेंगे, पूरी देखना ज़रूर। और इसके जो नेम के वर्ड्स आए हैं वो भी देखना और मुझे सजेस्ट ज़रूर करना। तो सबसे पहले आप सबको दिल से शुक्रिया है, ऐसे ही मुझे और मेरी बेटी को बहुत सारा प्यार देना। आप लोगों ने जो हॉस्पिटल वाले व्लॉग्स थे उसको बहुत सारे प्यार दिए, नॉर्मल है कि आप लोग प्यार दोगे ही। बट जो पिछले 10-12 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाले उसके लिए आप लोगों ने इतना सारा कंसर्न, चाहे मेरा इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह आप लोगों ने इतनी बार पूछा है दीदी कैसे हो, दीदी आप कहाँ हो, या दीदी आपकी मन्नत कैसी है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत हिम्मत मिली आप लोगों की ब्लेसिंग से। तो आगे भी आप लोग ऐसे ही करते रहना। बट नेम सेरेमनी का पार्ट शुरू करने से पहले या पूरा आप लोगों के सामने दिखाने से पहले कुछ हमारे दिल की बात आप तक शेयर करेंगे। एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि अब हम बहुत खुश हैं, आप लोगों को बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, खूब मौज में नज़र आ रहे हैं। लेकिन पिछले जो 2-3 साल गए थे वो हमारे लिए इतने ईजी नहीं थे, काफ़ी हार्ड थे। और मैं भी यही चाह रही थी ना कि बेटा है मेरा और भगवान मुझे एक बेटी दे दे, क्योंकि मेरी भी फैमिली कंप्लीट हो, है ना, हर इंसान यही चाहता है। तो मैंने बहुत जगह डॉक्टर भी दिखाए, बहुत लोगों से कंसल्ट भी की, बहुत कुछ प्रयास किए, बट नहीं। जितने जो इंसान अपने प्रयास कर सकता है, अच्छे अच्छे भी मुझे बच्चा चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसके लिए सारे प्रयास हमारे द्वारा किया गए थे कि भाई चलो एक बच्चा है, एक बच्चा और हो जाए तो कम से कम भरा भरा रहे घर। मतलब स्कूल भी जाने लग गया था तो घर भी उसके जाने के बाद खाली रहता था, तो ऐसा भरा भरा हो जाए। उदासी थी मन में, मैं भी बहुत डिप्रेशन में जाने लग गई थी कि और भाई। फिर मैं इसकी उदासी देख के मैंने एक दिन मेरी बड़ी बहन को बुलाया, मैंने बोला दीदी आप आओ यहाँ इसके साथ रहो, मैं तो दिन भर काम काज में रह जाता हूँ और ये काफ़ी खुद को अकेला फील करती है तो इस जब मैंने दीदी को सारी बात बताई कि दीदी इसके दिमाग में ये सब चल रहा है और इसके लिए थोड़ी एकदम ये कमज़ोर महसूस करिए कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है, एक बच्चा और चाहिए, इसके लिए हम सारे डॉक्टर सब प्रयास कर चुके हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तब दीदी ने कहा कि क्यों ना तुम एक काम करो, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करो, वो आपको कल को सोल्यूशन बता दे, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है उसके बारे में वो बता दे। ये सोचकर हमारे मन में भी आया कि यार जब सब कुछ करके देख लिया तो ये करने में क्या जाता है। तब मेरी बात हुई एस्ट्रोलॉजर संगीता जी से एस्ट्राडॉक ऐप पर, और उनसे बात करने के बाद ना मेरी तो लाइफ ही बदल गई। ये बड़ी बात, उनसे जब बात हुई ना तो उन्होंने मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा, और वो मांगते ही उन्होंने मुझे पूछा क्या मैं बेबी के लिए ट्राई कर रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा, नाम तक नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूछी और ये को पीछे बता दिया। हाँ, टाइम पूछा और सीधा यही बोला कि क्या आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। खड़े हो गए, ये कैसे संभव है। पहले तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी कि ये हो क्या रहा है, इनको जब मैंने कुछ बताया ही नहीं है तो इनको सारा चीज़ें पता कैसे चली। लेकिन उसके बाद मुझे संगीता जी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया और फिर मैंने अपनी जो करंट सिचुएशन थी, जो मेरी प्रॉब्लम थी, वो उनके साथ मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया कि हम इतने सालों से इतनी प्रॉब्लम्स को क्यों फेस कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे 2 सॉल्यूशन दिए, एक जो मुझे अकेले करना था और एक जो मुझे 9 दिन तक साथ में करना था। उनके कहे अनुसार करने के बाद में रिजल्ट आपके सामने है, हमारी मन्नत हमें मिल गई है, मिल गई है। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी कंप्लीट फैमिली हो गई है, बेटा था, बेटी हो गई और सब कुछ खुश है, सब कुछ खुश। और अब मेरे किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं संगीता जी से ही कांटेक्ट करती हूँ, और मैंने उनको ये नेमिंग सेरेमनी में भी बुलाया था बट वो किसी भी पर्सनल इवेंट में नहीं जाती हैं। उनको जाना अलाउ ही नहीं होता ना, किसी भी पर्सनल इवेंट में जाना उनको अलाउ नहीं होता। प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है किसी न किसी चीज़ को लेकर, हमारे बच्चे को लेकर थी, किसी के रिलेशनशिप को लेकर होती है, किसी को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जाओ और इन एस्ट्रोलॉजर से बात करके जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उनको बताओ, वो खुद ही बता देंगे सामने से, आप खाली उनको डेट वेट वो बताओ, एक बार इनसे कॉन्टेक्ट जरूर करो। रुको, एक काम करती हूँ, मेरे एस्ट्राडॉक ऐप का जो डाउनलोड लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, पहले जाओ और पहली चैट आपको फ्री मिलेगी, एक बार जाके कंसल्ट ज़रूर करना। तो ये जो व्लॉग है ना वो बहुत ही स्पेशल है, वो है मेरे प्रिंसेस का नेम सेरेमनी, है ना।
सोचा तो बहुत कुछ था, हमने बहुत कुछ सपने देखे थे, बहुत कुछ था, बट ये जो फंक्शन है वो बहुत ही छोटे रूप में कर रहे हैं हम, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ और ना ही मेरी प्रिंसेस की तबीयत ठीक है। तो हमने यही सोचा है कि अभी जो रिचुअल है वो सिर्फ़ और सिर्फ छोटे रूप में हम इसको एक बार का ज़रूरी है, क्योंकि बिना नाम निकले, बिना नाम के हम नाम निकले हमारे घर पे या फिर हमारे दरक फैमिली में कहीं पे भी पूजा वूजा नहीं होती है, हमारे वो सुआ लग जाता है। तो इसीलिए ये पूजा और ये नाम का जो रिचुअल है वो हमको करना ज़रूरी है। तो और हम छोटे से रूप में सिर्फ और सिर्फ मतलब छोटे से जो एकदम 10-12-15 लोग की करेंगे, क्योंकि मेरी जो बेबी है प्रिंसेस है उसको इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर ने एक बार का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूर रखने का बोला गया है, क्योंकि हम अगर सेरेमनी बड़ा करके करते तो सारे लोग आते और ऑब्वियसली है सब कोई मेरे प्रिंसेस को खूब सारा प्यार देते, इसको गोद में लेते, खूब सारा आशीर्वाद देते, सब अपने अपना बेस्ट ही करना चाहेंगे। बट एक बार क्या है, डॉक्टर ने ही हमें मना कर दिया कि आप एक बार इन सब चीज़ों से दूर रखो, मेरे को भी दूर रहने का बोला और इसको भी दूर रहने का बोला है। तो हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम इसको दूर रखें, इन सबसे फंक्शन करना है तो हम आगे जब ये 2-2.5 महीने की या जब भी जो चीज़ मतलब सुइटेबल रहेगी हमको, ये थोड़ी सी ठीक हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ भड़ाका, ज़्यादा टच करना, ये मेरी बेबी के लिए थोड़ा सा खतरा है। तो इसलिए उन्होंने मना किया, तो हमने यही सोचा कि हम एकदम छोटे रूप में कर देंगे। हमारे में क्या होता है, मेहंदी भी बहुत अच्छे से लगाई जाती है नाम की, मैंने हेमंत की तो बहुत अच्छे से लगाई थी, बट इसमें क्या है कि मुझे इसको फीड करवाना रहता है, कोशिश लेती नहीं है ये दूध प्रॉपरली, क्योंकि ये बहुत छोटी है और ये ना बहुत दुबली है, बहुत ज़्यादा दुबली है, क्योंकि ये टाइम से पहले हो चुकी है। तो डॉक्टर ने बोला है कि जब तक मेरा डेट नहीं आएगा ना, मेरी डेट थी 16 अप्रैल की और ये हुई है 18 मार्च को, तो उस वे में क्या होता है कि हर चीज़ पूरा 1 महीने के गैप में जा रही है, 1 महीने के गैप में। तो 1 महीने का जो है ना, जब तक 16 अप्रैल जब तक इसका पूरा टाइम पीरियड नहीं आएगा ना, तब तक थोड़ा सा इसका रिस्क है। तो इसीलिए हम हमारी जो फैमिली है, जो हमारे घर के बड़े हैं, उनका यही डिसीज़न है कि अभी कुछ दिन सारी चीज़ों से हटा के रखो, बस बेबी का वेलकम आप लोगों ने देखा ही था, बहुत ही शानदार हो गया था। तो इसीलिए जो नेम सेरेमनी है वो हम एकदम छोटे से हैं, ना कोई डेकोरेशन करवाएंगे, ना कुछ और, क्योंकि ज़्यादा देर मैं बैठ के नहीं रह पाऊँगी, ज़्यादा देर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और बेबी भी एकदम ऐसे हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, सबको बुलाएंगे तो सब अपने गोद में लेने की कोशिश करती हैं, प्यार देने की कोशिश करती हैं, और एक बार इसको सब चीज़ों से अवॉइड करना है। तो इसीलिए मैं एकदम थोड़ा सा वो मेहंदी जो दस्तूर नेक करना होता है वो भी प्रियंका दीदी आने वाली है वो करवाएंगे, और जो साड़ी है वो सिंगल बस एक साड़ी परचेज़ करनी है जो कि मेरी जेठानी लेने गई हैं, और बेबी की एक ड्रेस। अभी कोई शॉपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारे घर से ये नहीं देंगे या दीदी या कोई और, मतलब मांग के इसको कपड़े पहनाएंगे, उस हिसाब से हमने सोच रखा है कि अभी कुछ दिन हम कोई फंक्शन नहीं करें, सारी चीज़ें अच्छे से सब हो जाए, 2-2.5-3 महीना या थोड़ा टाइम पीरियड हमारा निकल जाए, उसके बाद हम बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, सब अच्छे से करेंगे हमारे प्रिंसेस का, और थोड़ा सा टाइम निकलने के बाद हम इसकी शक्ल भी आपको दिखाएंगे, फेस भी दिखाएंगे। मैं सारा वीडियोस वगैरह जितना भी होता है मैं थोड़ा थोड़ा बना के रखती हूँ। हेमंत के टाइम तो क्या है, मैंने 365 डेज़ के 365 फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, बट इसके टाइम में ना मैं इसके साथ इतना ज़्यादा बिजी हो रही हूँ, इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है ना। तो मैं, अम्मा और मेरी बीच वाली जेठानी, हम तीनों 24 आवर्स इसी के पीछे लगे रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, इसकी मूवमेंट कैसी है, ये क्या कर रही है, सारी चीज़ें नोट करना, तो बस उस वे में ही रहता है। तो मैं इसलिए बहुत कम एक्टिव हूँ, और अब आगे जो सेरेमनी है वो छोटे रूप में है, बट जो भी रहेगा आप लोगों से शेयर करेंगे, तो आप लोग खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना, और भर भर के मुझे और मेरी प्रिंसेस को और हमारी पूरी फैमिली को बहुत सारा आशीर्वाद देना है। तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी प्रॉपरली मार्केट जाके मेरे लिए इतनी सारी साड़ियाँ लेके आई और मुझे बोली कि तेरे को जो पसंद करना हो ना वो वाला पसंद कर ले। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि यार साड़ी पसंद तो करनी है, और मुझे ऐसे था कि मैं एकदम प्लेन सी रेड कलर की या पिंक कलर की पहनूँ, बट पिंक कलर की क्या है कि अम्मा ने और घर वालों ने मना कर दिया कि पिंक थोड़ा सा लाइट लाइट हो जाता है, या तो रेड कलर पहन या चुनरी का पहन, हमारे में कोई भी तीज त्यौहार में या कुछ भी बड़ा फंक्शन होता है तो रेड कलर ही पहनते। तो मैंने बोला ठीक है मैं रेड कलर की पहनूंगी, बस ऐसी साड़ी पहनी है जो मेरी बेटी
किसी को चुभे नहीं। तो यहाँ पे जेठानी ने वो जो चप्पल होती है और जो जो चीज़ें होती है वो सारी, और ये मेरी बेटी की ड्रेस लेके आए थे, ये वाली भी एक लेके आए थे और एक पूरा पैक वाला भी लेके आए थे। तो मैंने बोला ये वाला तो मुझे नहीं कम समझ में आया, बट जो एक और दिखाऊंगी मैं आपको वो वाला मुझे अच्छा लगा था, कृष्ण जी जैसा ड्रेस था। तो मेरा ऐसे बहुत मन था पिंक पिंक, फिर घर वाले ने बोला हर जगह क्या पिंक पिंक पिंक, इसको हमें ना ये वाली ड्रेस पहना देते हैं। तो दोनों दीदी जेठानी सारी चीज़ें, और ये देखो ये जो जेठानी के हाथ से जो ड्रेस निकली है ये चुनरी वाली, ये वाली ड्रेस पहनाएंगे। तो यहाँ पे हम सब बैठ गए थे, प्रियंका दीदी मेरे लगा रही है मेहंदी, और वो भी करीबन रात के 11:30 बजे लग रही थी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था, कुछ मन नहीं कर रहा था, बस मैंने बोला था एक फॉर्मेलिटी जो नियम होता है, जो दस्तूर होता है, जो नेकचर करने का जो शगुन होता है, बस वो शगुन शगुन कर दो और मुझे नहीं करवाना है, क्योंकि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था यार। जब माँ का बच्चे का तबीयत ठीक नहीं होता है ना, तो फिर वो माँ कुछ नहीं अच्छी, मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये बैलेंस वगैरह तो जो उसके बेबी का वेलकम किया था ना उस दौरान लगे हुए थे, तो हमने उतारे नहीं, बोले ठीक है रह जाएगी। और प्रियंका दीदी बेचारी पूरे दिन मेरा वेट करती रही, मैंने बोला था रुक जाओ दीदी मेरा अभी मन नहीं है, अभी मन नहीं है, अभी मन नहीं है, क्योंकि कभी बेटी के सुसु आ रहा है, कभी बेटी को कुछ आ रहा है, कभी दूध पिलाना है, कभी ये करना है। तो फिर मेरा ऐसा पूरा जो फोकस था वो मेरी बेटी पे ही था, तो मुझे ऐसे था कि यार मुझे अभी मेरी बेटी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उसके तरफ ज़्यादा फोकस करूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने पेरवा वगैरह लगवाया, लगवा के थोड़ा सा मैंने हाथों में भी मेहंदी लगवाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सब कोई इसलिए मेहंदी लगा रहे हैं क्योंकि हमारे में जो सुआ उतरता है, तो सब कोई मेहंदी लगा के ही सुआ उतरता है, ये हमारे में नियम होता है। अगर आप लोगों में भी ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना। तो ये देखो छोटी सी जो मेरी प्यारी सी पोती है वो भी बोलिए देखो मैंने भी मेहंदी लगाई है, मैंने भी किया है। तो मैंने देख रही हूँ उसको कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। ये देखो इसने बोली मैं भी लगाई हूँ, यहाँ पे मेरी जेठानी लगा रही है, ननद लगा रही हैं, अम्मा के इंदू लगा रही है, प्रियंका दीदी मेरे लगा रही है। तो ये करीबन रात को 11:30 का टाइम है और मैं एकदम थक गई थी, इतना ज़्यादा मेरा बैक पेन होने लग गया था ना, क्योंकि यार कितना भी करो मेरे भी सिजेरियन से हुआ है, तो मेरे भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है लेग में, पैरों में, हाथों में, फुल बॉडी में बहुत दर्द रहता है। तो यहाँ पे मेरे हाथों में मेहंदी लगी है जिसने मैंने लिखा है माँ की प्रिंसेस, और ये देखो ये इतना सा मैंने फुल करवाया है। और अब आपको बाकी दिखाती हूँ, दीदी ने भी है और यहाँ पे जेठानी जी ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगा ली है। वीडियो कॉल पे जो है वो हमारी बड़ी वाली जेठानी जी हैं, बहुरानी हैं। तो मैंने आपको बताया ही है कि हमारे में शगुन होता है तो ये चीज़ें होती है, तो जेठानी जी यही पूछ रही थी कि तुम सबने करवा लिया ना, और अब मैं जाऊँगी मेरे हैंड वॉश करने, क्योंकि इतनी देर अम्मा ने मैनेज किया था, पहले अम्मा लगाने बैठ गई थी फिर गुड़िया रोने लगी, तो अम्मा ने बोला कि ठीक है मैं हाथ धो देती हूँ, अब भाई तू लगवा ले एक बार, तो मेरा हो गया है कंप्लीट। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब मैं मेरे हैंड वॉश करके आ जाती हूँ, फिर आप कर लेना, और क्योंकि अब अम्मा के लगेगी मेहंदी। और अब मैं आपको बाकी सबके मेहंदी दिखाती हूँ, इसके भाई की, पापा की, सबकी। तो यहाँ पे प्रिंस के पापा की मेहंदी, मैंने आपको बोला ना हमारे घर में सबके लगने ज़रूरी है। यहाँ पे भुआ की प्रिंसेस, सबके अलग अलग है। और यहाँ पे हेमंत और हेमंत के भुआ इसलिए झगड़ा कर रहे हैं कि भुआ बोल रही है मैं नाम निकलवाऊंगी, मैं जो बोलूँगी वो होगा, और भतीजा बोल रहा है नहीं मैं जो बोलूँगा वो नाम होगा मेरी बहन का। तो सबको इतना ज़्यादा क्रेज़ है, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। अच्छा लगता है ना यार, छोटा जो भी बच्चा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो घर की रौनक हो जाता है, चारों तरफ से इतना सारा प्यार मिल रहा है ना मेरी प्रिंसेस को। और यहाँ पे फाइनली सबके मेहंदी लग गई है, जेठू जी के भी, हेमंत के अब थोड़े से लगने बाकी है, बाकी वो देखो प्रियंका दी जेठू जी के भी कंप्लीट कर रही है, और साइड में दिख रहा है आपके अम्मा ने भी अपने हाथों में पैरवा लगवा लिया है, और यहाँ पे दीदी ने भी लगा लिया, जेठानी जी के इंदू लगा रही है, चारों तरफ में हमारे। उस दिन रात को ना 1:30 बज गई थी पता है, सिर्फ मेहंदी लगाते लगाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेहंदी लगाना, और मैंने तो कब का हैंड वॉश भी कर लिया। और मैं आपको बताऊँ ये देखो मेरा ये कलर आया, मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी सी मेहंदी लगाई है, बट आगे मैं पूरा फुल ज़रूर ज़रूर लगाऊंगी अच्छे से मेहंदी। और ये रहा मेरे प्यारे से बेटे के हाथों में मेहंदी, अपने बहन के लिए, लाडली बहन के भाई की। So, हो गई है सुबह, आज हमारी प्रिंसेस का नेम सेरेमनी है, जैसे का नाम वाम का पूरा प्रॉपरली मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि अगर मेरी बेटी होगी तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, तो वो सारी चीज़ें मुझे फुलफ़िल तो करनी ही है। आप सबको पता है हर माँ की ये विश होती है, बट माँ की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, अपना बच्चा। तो थोड़ा सा ये ठीक हो जाए उसके बाद मैं सारी चीज़ें करूँगी। यहाँ पर ये देखो मेरी मेहंदी, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी मेहंदी लगाई है। मैंने बहुत सोचा था कि जब मेरे बेबी का नाम सेरेमनी होगा तब मैं ये ऐसी मेहंदी लगाऊंगी, ये डिज़ाइन निकालूंगी, ये करूंगी, बट फिर हम सब ने यही सोचा घर वालों ने कि जब ये महीना 1.5 महीने या 2 महीने की, जिस दिन मैं फर्स्ट मंदिर जाऊँगी उस दिन फिर हम कुछ भी फंक्शन वगैरह करेंगे थोड़ा सा, तब तक ये स्टेबल हो जाए। तो भी पंडित जी आने वाले हैं, अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि हमारे में आज मैं भी नहाऊँगी, मेरी प्रिंसेस भी नहाएगी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो
हमारे में होती हैं, शायद आप में भी होती होंगी, क्योंकि सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग सारी चीज़ें होती हैं। तो जितना होगा मैं आप लोगों के साथ इस वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अभी मेरी दाई माई आ चुकी हैं, वो अभी पूरे अम्मा शायद आते हूँ माल पहले मसाज करी नहीं, हाँ आज हमारी पीठी होती है, उससे बोलते हैं कि हम गोरे गोरे हो जाएंगे और ज़्यादा, तो देखती हैं मैं कितनी गोरी होती हूँ, लेट्स सी। तो अभी मेरी पीठी होगी आटे से, क्या क्या डाल के, तो आटा घी गर्म पानी से उसको घोल के फिर उससे पीठी करते हैं। हमारी पूरी बॉडी में पीठी होगी, मतलब हाथ पैर फेस गर्दन जहाँ जहाँ आपको करानी होती है वहाँ पीठी होगी। फिर शैम्पू करके आज नहा के आऊँगी मैं, शैम्पू के बाद कितने दिन हो गए, वैसे इसके बॉर्न होने से दो दिन पहले मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, फिर मैंने शैम्पू वैम्पू सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट कर ली थी, शैम्पू थ्रेडिंग सब करवा लिया था मैंने, आपके सामने वो सारे ब्लॉग्स मैंने शेयर किए थे। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ सारे लोग बैठे हैं और यहाँ बाबूडी का नाम करने की तैयारी चल रही है, आज से भंडारे भी मस्त वाले कपड़े पहन रहे हैं और बड़ी मम्मी बुआ और अम्मा भी काम कर रहे हैं और ये दीपू भी आए सूरत से स्पेशली हमारे नामकरण के लिए, पापा इधर वेट कर रहे हैं पंडित जी का भाई यहाँ सारे लोग बैठे हैं, यहाँ बड़ी दीदी बैठी, यहाँ बड़े बाबा बैठे हैं, और अंदर माँ रेडी हो रही है, और यहाँ माँ रेडी हो रही है। कितने अच्छे लग रहे हैं यार, तो दे दे दी पिंटू भाभी लेके आ रही है चूड़ा, चूड़ा चूड़ा चूड़ा। तो अब मैं आपको आगे बताते रहूंगा और मेरा लुक ये और मैं अब आपको जो भी होएगा आगे वो बताते रहूंगा, मैं आपका फुल लुक दिखाऊंगा उसके बाद, है ना? थोड़ी भागी तो आ इस एक दिन आयो कौन वीडियो माया अम्मा 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 हनी तनिया बेटा तू किटकेट खाई दी है फाइव स्टार, तू मन नहीं रहे हूँ तिला के किटकेट हाँ बढ़ता माखन घर है क्या खाएगी। अरे यहाँ पंडित जी आ गए हैं और माँ बैठ चुकी है, पापा आ रहे हैं रूम में और अम्मा माँ की हेल्प करा रही और पिंटू भाभी भी हेल्प करा रही, ताने कह रही मैं भी करूँगी, ताने तू भी करी और यहाँ सारे लोग आ चुके हैं, पर्ची दीदी आ जाओ थोड़ा, पर्ची दीदी बैठी है, बाबू ने नाम भी रखा है, बाबू ने ुण्यम पवित्र पापनाशनम आपतारती नित्यम ललाटे हरिचंदनम देवी प्रपन्नारती हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगदोगलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी मंत्रार्दा सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरदा व्रतस्वरोह्य महाविदात्मा धनम धान्यम वसुंभो पुत्रलाभम सुदिनम तदेव धारावलम चंद्रबलम तदेव विद्यावलम राइट 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 पंडित जी बंद है बंद है बंद है पहले छोड़ दे बताओ
सबला संतु पूर्णा संतु शत्रुणा मुदिना संतु मित्रा। यहाँ पे मेरी प्रिंसेस का नेमिंग सेरेमनी का फंक्शन शुरू हो चुका है और हेमंत जो कि बड़ा भाई बन चुका है वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, हर चीज़ में सबसे पहले रेडी है। और यहाँ पे सारी पूजा के सामान सारी चीज़ें पंडित जी ने तैयारी कर दी हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो हेमंत का एक्साइटेड का जो लेवल है वो इतना ऊपर है, भाई होगा क्यों नहीं, बड़ा भाई बना है। क्योंकि इस बार की जो हमारी राखी होगी वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी, इतने इतने मन्नतों से हम सब ने इतने प्रे की है, चाहे वो कान्हा जी हो, चाहे वो श्याम बाबा हो, भोलेनाथ बाबा हो, माता रानी हो, सबसे हम सब ने मांगा है हमारी नन्ही सी जान मन्नत को और भगवान ने हमारी झोली में ये प्यारा सा आशीर्वाद भर दिया है। और ये जो नेमिंग सेरेमनी है वो अब शुरू हो चुकी है, आपके सामने है, मेरी गोदी में मेरी बेटी सोई हुई है और दीदी, जीजू, मेरी संगीता दीदी, पिंटू, अम्मा, सारे बच्चे, बड़े वाले जीजी, जिठानी जी, सब कोई आ गए, बहू रानी, दीपू भैया, हमारे जितने भी मेरे ससुर जी के पेट से हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं। जिस बाहर के जो दीदी लोग हैं उनको हमने एक को भी नहीं बुलाया था, मतलब जो जेठ जी की बेटियाँ हैं, जो अम्मा की जो दीदी है मंजू दीदी, उनको मतलब बाहर को नहीं बुलाया था, बोले हम आगे बड़ा फंक्शन करेंगे तब मतलब आप सब आना है, सबको इतना ज़्यादा मन था तो यहाँ पे वीडियो कॉल पे हमने सबको ले लिया था क्योंकि हमारी बेटी को इन्फेक्शन है तो डॉक्टर ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए बोला गया है। और हमें नहीं पता था कि हमारी नेमिंग सेरेमनी के जो रात होगी वो इतनी हार्ड होगी। आप आगे ब्लॉग ज़रूर देखना और खूब सारा आशीर्वाद देना। तो इस वाले ब्लॉग में यहीं तक होगा ये वाला पार्ट कि आप लोग गैस कर सकते हो कि मेरी बेटी का जो नाम का है वो कौन से वर्ड से आया है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में आप लोगों के सामने रहेगा कौन से वर्ड से आया है वो आपको बताऊंगी। और यहाँ पे पूजा उजा हो रही है हमारी, क्योंकि अगर मैं सारा पार्ट एक ही व्लॉग में डाल देती तो बहुत लंबा हो जाता। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके खूब सारा प्यार देना है, प्यार देना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है क्योंकि बैक टू बैक बहुत ही शानदार वाले व्लॉग्स आएंगे। खूब सारी ब्लेसिंग देना है हमारी पूरी फैमिली को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।